सर्वप्रथम मैं कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिन के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। 136 वर्षों का गौरवशील इतिहास और इन 136 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के हर नेता ने यह प्रयास किया है कि इस देश का सामाजिक ताना बाना, इस देश की आर्थिक और सामाजिक तरक्की होती रहे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज इस देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में है जो धर्म निरपेक्षता में विश्वास नहीं रखते, जो जातिवाद में विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ करके रखते हैं। आज इस देश की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई है, किसानों के पास दाम नहीं, नौजवानों के पास काम नहीं। ये सरकार न जवान की न किसान की, ये सरकार मात्र धनवान की। इसीलिए मैं आज सभी कांग्रेस परिवार के सज्जनों से ये कहना चाहूँगा कि 136वें स्थापना दिन के अवसर पर ये हमारा कर्तव्य बनता है कि मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ें और देश को ये बताएं और इस सरकार को ये बताएं कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, मोदी तंत्र से नहीं।